कुंभ 2019 के आयोजन की तैयारियों के लिए विगत कुंभ आयोजनों के अनुभवी अधिकारियों ने प्रयाग के कुंभ 2019 के संबंध में कार्यरत अधिकारियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। सर्किट हाउस इलाहाबाद के सभागार में कुंभ में आपदा प्रबंधन विषय पर आधारित कार्यशाला का उद्घाटन एवं अध्यक्षता मंडलायुक्त डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने की तथा मुख्य अतिथि वर्तमान संयुक्त सचिव एवं पूर्व मंडलायुक्त इलाहाबाद श्री देवेश चतुर्वेदी ने की है। उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त श्री संजय कुमार के संयोजकत्व में आयोजित इस कार्यशाला में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पूर्व सदस्य श्री अनिल के सिन्हा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सलाहकार ब्रिगेडियर अजय गंगवार, महाराष्ट्र सरकार के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के कर्नल सुतनेकर, रेलवे से IRTS के वरिष्ठ प्रोफेसर संजय त्रिपाठी, NDRF 11वीं बटालियन के COO सहित कई वरिष्ठ अधिकारी तथा कुंभ आयोजन से जुड़े सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी पूरे दिन कार्यशाला में उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में कुंभ आपदा प्रबंधन के साथ साथ कुंभ आयोजन के सभी पहलुओं का बहुत विस्तार से विचार विमर्श किया गया। श्री चतुर्वेदी ने कुंभ आयोजन के अनेक अनुभव कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों से साझा किए तथा व्यवहारिक रूप से आने वाली तत्कालिक समस्याओं से निपटने के गुण सिखाए। श्री चतुर्वेदी ने कहा कि कुंभ के रूप में एक विशाल जन सम्मेलन आयोजित होता है जिसमें सभी विभाग अपने अपने विषय से जुड़े प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं, अतः सभी अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित कार्य योजना तथा उसमें आने वाली दिक्कतों का पूर्वानुमान कर लेना चाहिए एवं पहले से उसकी तैयारी रखनी चाहिए। आगामी कुंभ आयोजन में इन सभी प्रयोगों को व्यापक पैमाने पर उतारा जाएगा तथा आधुनिक व्यवस्थाओं से उक्त एक दिव्य एवं भव्य कुंभ आयोजित किया जाएगा। मंडलायुक्त ने कहा है कि हम एक वर्ष पूर्व से ही आने वाले श्रद्धालुओं को केंद्र में रखकर जन सुविधाओं का विकास कर रहे हैं। इलाहाबाद से अरुण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।